देखिए, हर एक राजनीतिक दल का अपना अपना एक तरीका होता है बातों को रखने के लिए। प्रधानमंत्री क्योंकि कलकत्ता में हैं, इसलिए अपने ममता बनर्जी ने अपनी बातों को रखा। वो CAA का विरोध कर रही हैं, NRC का विरोध कर रही हैं, NPR का विरोध कर रही हैं, लेकिन अब उनकी बातों को प्रधानमंत्री किस तरह से लेते हैं, जबकि CAA तो किसी के विरोध में है नहीं। ये विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, ये तो अननेसेसरी जो है पूरे देश में भ्रम पैदा कर रही हैं। CAA तो किसी के विरोध में नहीं है, CAA तो वैसे लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं और उनको कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, उनको देश में नागरिकता देने का की बात है। लेकिन क्योंकि जो देश के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए तो कहीं CAA में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये लोग जानबूझ करके एक सेक्शन को पोलराइज करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए उसको NRC से लिंक कर रहे हैं, NPR को NRC से लिंक कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए ये अपनी बात इस तरह से रख रहे हैं। कांग्रेस भी अपने तरीके से चीज़ों को देख रही है। कांग्रेस भी इसको अपना एक कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये एक हमारा बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हम कैसे पोलराइज कराएं, लोगों को इसका हम कैसे फ़ायदा ले सकें। जबकि कांग्रेस के जो पहले के बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने भी जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है उसकी आवाज़ को उठाई हुई है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके ये दिल्ली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो जांच कर रही है, आखिर में JNU में इस तरह की हरकत किसने की, लेफ्ट वालों ने की या राइट वालों ने की? दिल्ली पुलिस जिस नतीजे पर पहुंचेगी उसके बाद ही ये निर्णय किया जा सकता है कि इसमें गलती किसकी थी। अभी तक जो दिल्ली पुलिस की फाइंडिंग है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो फुटेज है, उस फुटेज में JNU की जो प्रेसिडेंट हैं अभी, वो महिला लड़की जो हैं, उनको संलिप्तता उनकी बताई जा रही है। अब तो दिल्ली पुलिस की जो फाइंडिंग है उसको दिल्ली पुलिस प्रूफ करेगी कि वो किस तरह से इस फाइंडिंग पर पहुंची है। अगर वो लोग, दिल्ली पुलिस की फाइंडिंग सही है, तो निश्चित रूप ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, CAA के बारे में तो जो ओपिनियन जो देश में बन रहा है वो यही है कि CAA के बारे में जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस सहित जितनी भी पोलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो देश में भ्रम पैदा कर रही है और कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको डराने का प्रयास कर रही है कि आने वाला समय तुम्हारा खराब होने वाला है, ये सरकार तुम्हारे विरुद्ध में ये लाने वाली है, वो लाने वाली। CAA एक इनिशियल है, जबकि CAA किसी भी देश के नागरिक के खिलाफ नहीं है, ये वैसे लोगों के खिलाफ है जो लोग परेशान हैं, जो उनके लिए ये बनाया गया है, जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, परेशान हैं और कहीं दूसरे देश में उनको शेल्टर नहीं मिल सकता है, तो उनके लिए ये बनाया गया। और इसमें बहुत लंबे समय तक बहस होता रहा है, महात्मा गांधी ने भी इन पर चर्चा की थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी चर्चा की थी, मनमोहन सिंह जी ने भी चर्चा की थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चर्चा की थी, पत्र लिखा था UPA1 UPA2 में। तो हम समझते हैं कि उसको एक सरकार ने CAA के माध्यम से उसको शेपअप किया है, लेकिन जो विरोधी दल है वो इसको दिग्भ्रमित कर रहा है लोगों को, इसलिए हम समझते हैं कि जो बयान आया है वो सही बयान है।